हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर हो रही है किचन की साफ़ सफ़ाई। अभी यहाँ पर मैं किचन की साफ़ सफ़ाई कर रही हूँ और दूध को ना मैंने पलट कर भगोने में रख लिया है, क्योंकि दूध ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर होता है और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हद पार कर रखी है गर्मी ने कि ज़्यादा देर तक मैं दूध को बंद डब्बे में नहीं रख सकती, क्योंकि दूध डेयरी से आता है और फिर थोड़ा सा उसका ज़्यादा भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर दूध फट गया तो शाम तक ना फिर दूध की दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो ना अगर शाम तक भी दूध नहीं आएगा या नहीं रहेगा तो मेरे पास इतना दूध रहता है एक्स्ट्रा, मैं फ्रिज में रखती हूँ कि कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। कभी अचानक से कोई गेस्ट हमारे घर आ जाए तो मुझे ना दूध की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना मैं दूध हमेशा एक्स्ट्रा रखती हूँ फ्रिज में। पर फिर भी एक्स्ट्रा रखा है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं ना बस ऐसे ही ना चीज़ों का ध्यान नहीं दूँ, क्योंकि चीज़ों पर ध्यान रखना मेरी जिम्मेवारी बनती है घर के सभी कामों को लेकर। तो फिर यही रहता है कि ना टाइम से ही काम ख़त्म हो जाए, टाइम से ही चीज़ें हो जाएँ जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो। तो अभी यहाँ पर मैंने दूध को पलट लिया और किचन की साफ़ सफ़ाई करना शुरू कर दिया, दूध पलट कर और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि ना उससे क्या होता है कि दूध ना फिर जल्दी से ख़राब नहीं होता है। और अभी जैसे ही मैं किचन की साफ़ सफ़ाई कर दूँगी फटाफट से मैं ना उसको भी दूध को भी बॉयल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अभी क्या है कि मैं यहाँ पर किचन की साफ़ सफ़ाई कर रही हूँ, मैंने फ़ैन चला रखा है और फ़ैन चलाते टाइम मैं गैस को ऑन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि फिर गैस ना उस पर लगती ही नहीं है भगोने के नीचे, फिर ना इधर उधर उड़ती रहती है वो। तो इसलिए मैं गैस को तभी चलाऊंगी जब मैं ये वाला काम ख़त्म कर लूँगी। अभी पहले डस्टिंग का काम ख़त्म करूँगी और बिना फ़ैन चलाए तो मुश्किल हो जाता है यहाँ पर साफ़ सफ़ाई करना, इसलिए ना पहले मैं फ़ैन चला लेती हूँ, बर्तन साफ़ करती हूँ तब भी। और जैसे गर्मी कम होती है तब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर दूध रख दिया गैस पर और बर्तन साफ़ करने लग जाती हूँ, इस दूध का भी ध्यान रखती हूँ साथ के साथ। फिर मैं गैस तेज़ कर देती हूँ, अगर गर्मी ज़्यादा है तो मैं ना दूध को बाद में बॉईल करने के लिए रखती हूँ, पहले मैं किचन साफ़ करती हूँ, बर्तन इकट्ठा करती हूँ और फिर मैं गैस ऑन करके गैस पर दूध रख देती हूँ, फिर मैं बाकी के काम करती हूँ। और जैसे ही दूध गर्म हो जाता है ना फिर मैं गैस बंद करती हूँ, उस पर छलनी रखती हूँ दूध पर और फिर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, फ़ैन ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में ना काम करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो अभी यहाँ पर मैंने फ़ैन चलाकर और यही काम निपटा रही हूँ। अभी यहाँ पर जो इसमें सामान है, इसमें ना कुकर में चावल रखे हुए हैं, मैंने चावल बनाए थे और अभी मैं इनको भी खाली करके रख दूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े जैसे कि कुकर हैं, कढ़ाई है, इनमें तो सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकते हैं। मुझे तो ना बस ये रहता है कि जैसे ही खाना वगैरह जो भी है बन गया फटाफट से मैं खाना पलटूं, खाली करूं और छोटे जैसे बर्तन होते हैं जैसे टिफ़िन है या जिसमें भी सब्ज़ी आ सकती है उसमें खाली करूं और रख दूं। मुझे तो ना डोंगे भी फिर बड़े लगते हैं, क्योंकि सब्ज़ी तो थोड़ी बनती है, छोटी सी फैमिली, और डोंगे उस हिसाब से हो जाते हैं बड़े, तो मैं तो उनमें भी नहीं करती हूँ। फिर मैं टिफ़िन वगैरह ले लेती हूँ, उनमें कर देती हूँ। तो अभी किचन का काम ख़त्म कर दिया है, मतलब कि डस्टिंग कर दी है और उसके बाद फिर मैं सीधा आ गई हूँ इधर, गैस को ऑन कर दिया है, अब दूध वहाँ पर गर्म होता रहेगा और मैं बाकी के काम अपने निपटा लूँगी जो भी हैं। तो अभी यहाँ पर आ गई हूँ इधर इस वाले रूम में, और इस वाले रूम में ना कुछ ज़्यादा ही चीज़ें फैली हुई होती हैं, क्योंकि हमारी गुड़िया रानी ना इसी रूम में पढ़ाई करती है, उसका मन लगता है इसी रूम में पढ़ाई करने में, तो यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा फैली हुई होती हैं। तो अभी कुछ चीज़ें तो ना मैंने रात में भी उठा दी थी, मुझे बहुत फैला फैला सा लग रहा था, कुछ सुबह में उठा दी हैं और अभी कुछ बाकी रह गई थी तो उनको भी उठा रही हूँ। और कई दिन हो गए हैं मैंने गद्दे ना नीचे से हटा कर ना साफ़ नहीं किए हैं इसको, बेड को, तो आज मैंने सोचा कि चलो नीचे से ना गद्दे हटाते हैं और इसको साफ़ करते हैं अच्छे से और फिर गद्दे को डालते हैं। वैसे तो ना इनको हटा करके धूप भी लगा सकती हूँ पर आज नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि आज वैसे भी काम ज़्यादा हो रखा है तो आज मैंने छोड़ दिया है। देखती हूँ अगर मेरा मन हुआ कल करने का तो कल सुखा दूँगी, क्योंकि कभी कभी ना धूप भी लगानी ज़रूरी होती है। वैसे अभी इतनी भी बरसात तो हुई नहीं है कि ना चीज़ों को धूप लगाना शुरू कर दें, अब तो खुद ही धूप ने हमें परेशान कर रखा है, हम ही इतने ज़्यादा परेशान हैं तो चीज़ें तो सूखी हुई हैं ही। बाकी बाद में जैसे ही बरसात ख़त्म होती है ना उसके बाद फिर वो भी टाइम आता है कि सारी चीज़ों को सुखाना रखना है ना, वो चीज़ें भी होती हैं, उन चीज़ों में भी ना बहुत टाइम जाता है, उन चीज़ों को भी बड़ा टाइम निकालना पड़ता है।
तो जैसे कि दीपावली से पहले, 1 महीने पहले ना दीपावली से ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। जैसे कि पहले सारी चीज़ों को अंदर, जैसे बेड है उसमें बिस्तर रखे हुए हैं, संदूक है उसमें बिस्तर रखे हुए हैं, तो वो सब चीज़ें सुखानी पड़ती हैं। सच बताऊँ ना, दीपावली के टाइम पर तो ना सभी इतना बिजी हो जाते हैं अपने अपने कामों में, बहुत ज़्यादा सभी की छतों पर बिस्तर वगैरह सूखे हुए नज़र आते हैं, दाल वगैरह सुखाते हैं सभी, किचन का सामान सुखाते हैं। और वो ना दिन क्या होता है कि छोटे होने लगते हैं, थोड़े थोड़े छोटे होने लगते हैं। दीपावली पे भी ना काफ़ी छोटा दिन हो जाता है, लेकिन होली पर धीरे धीरे बढ़ते हुए होली पर ना दिन बढ़ जाता है। अभी तो ना काफ़ी बड़े दिन हो रहे हैं, अभी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब दीपावली आती है ना उस टाइम पर होने लगते हैं, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। सच बताऊँ ना, उस टाइम पर जब दीपावली होती है उस पर अपने आप ही ना मनसा लगने लगता है, एक अलग सी ही रौनक होने लगती है। और बाज़ारों में तो क्या ही बताएं, कितनी ज़्यादा चहल पहल रहती है। सच बताऊँ ना, दीपावली के टाइम पर ना सबसे ज़्यादा मन लगता है बाज़ारों में, सबसे ज़्यादा इतनी ज़्यादा चहल पहल रहती है। वैसे तो सभी अपनी अपनी जगह हैं, त्यौहार सभी अच्छे हैं, लेकिन दीपावली का भी एक अपना अलग ही होता है। लाइट वगैरह का बहुत होता है उसमें, है ना, और सभी जगह पर लाइट वगैरह जली रहती है। बाकी सभी त्यौहार होते हैं इतनी लाइट वगैरह का नहीं होता, लेकिन दीपावली लाइटों का ही त्यौहार होता है, दीपों का त्यौहार होता है, तो अच्छा लगता है। कभी कभी तो ना जैसे दीपक जलते हैं दीपावली पर, और जब सभी की छतों पर देखते हैं, ऐसा मन होता है कि ये ऐसे ही जला करें, डेली ऐसे ही जला करें, अच्छा लगता है। अब तो ना इतने ज़्यादा बंदर आ गए हैं हमारे यहाँ पर कि लड़ी भी लगाना ना अब की बार तो वो मुश्किल ही कर देंगे, क्योंकि जब भी लगाते हैं, जैसे लगाते हैं तो वो अभी ना टंकी के जैसे ढक्कन वगैरह हैं उनको भी तोड़ देते हैं, तो लड़ी को तो वो क्या ही छोड़ेंगे। अभी देखते हैं, वैसे तो ना लगाने की कोशिश करेंगे ही, पर आ बहुत ज़्यादा गए हैं। पहले तो हमारे यहाँ पर ना एक दो बंदर ही था, लगभग एक था पहले, उसके बाद 2 हुए, फिर 3, और अब तो इतने हैं कि एक साथ आते हैं 10 10 12 12 15 15 बंदर एक एक साथ आते हैं। और जिस दिन, अभी पता नहीं जैसे कि अब की बार इस टाइम पर जैसे कि 2 3 दिन इधर की साइड में रहे, 2 3 दिन किधर दूसरी साइड चले जाते हैं, तो अभी ना 2 3 दिन से आए नहीं हैं, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि वो दूसरी साइड में हैं। अभी जिस दिन उनका मन करेगा ना फिर आ जाएंगे। और इतनी तेज़, एक दिन तो मैं बरामदे में ही सो रही थी और बंदरों में ना इतनी तेज़ लड़ाई हुई, सुबह का ही टाइम था, अर्ली मॉर्निंग का, अंधेरा छाया हुआ था, बहुत ऐसा नहीं था कि एकदम उजाला हो गया है, और मैं सोई हुई थी और बंदर जाल के बाहर थे और मैं जाल के अंदर, बिल्कुल इतना ही फासला था एक हाथ का, और उनमें इतनी तेज़ लड़ाई हुई कि मैं सोती हुई ना एकदम से बैठ गई, मैं डर गई बहुत ज़्यादा। पता नहीं वो किस बात पर लड़ रहे थे, किस पर नहीं लड़ रहे थे, मैं इतनी तेज़ डरी। अगर जाल उस पर लगा हुआ नहीं होता तो शायद बंदर मेरी ना चारपाई पर ही होते, बस बिल्कुल मेरे पास में ही थे। मुझे ना जब से ये जाल लगा है इस चीज़ का तो बहुत ही ज़्यादा सुख हो गया है, और मेरी टेंशन भी काफ़ी ख़त्म हो गई है कि ना जैसे बंदर हैं वो नहीं आ सकते हैं अंदर, बिल्ली भी नहीं आती है, लेकिन बिल्ली का कोई छोटा बच्चा अगर होता है तो वो आ जाता है। वो एक दिन आ भी गया था, और जैसे ही मैं उसको दिखी उसको ना वो इतना डर गया, इतना डर गया कि उसको ना निकलना मुश्किल हो गया, वो बहुत ज़्यादा डर गया। फिर मैं एक साइड में बैठ गई, फिर मैंने उस पर ना तब भी नहीं निकला गया, फिर मैंने ये वाला गेट खोला जो अभी ये सामने है ना, ये वाला गेट मैंने खोला और मैं गेट की साइड से बिल्कुल अलग हो गई, तब वो निकला। और उस दिन से आज तक वो अभी तक भी नहीं आया है। तो बिल्ली भी नहीं आती है मैं सच बताऊँ, लेकिन बंदर तो क्या ही आएंगे इसमें से, है ना। बहुत ज़्यादा आराम भी हो गया है इस चीज़ का, जैसे कि अभी ना एकदम से ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ एकदम से जैसे कि बिल्ली है बंदर है कूद जाए, नहीं, अगर गेट खुला हम छोड़ देंगे तभी आ सकते हैं। और गेट खुला मैं छोड़ती नहीं हूँ, आपने हमेशा देखा होगा मेरी वीडियो में कि जब मैं काम करने के लिए अगर उधर गई हूँ तभी मेरा गेट खुलेगा, वरना मेरा गेट खुलता ही नहीं है, ना ही इधर का ना ही उधर का, दोनों गेट में बंद रखती हूँ और अपना काम आराम से करती रहती हूँ बिल्कुल। तो अभी यहाँ पर मैंने ना झाड़ू लगानी शुरू कर दी है, और इससे पहले आपने देखा कि मैंने किचन का भी काम किया है, मैंने पूरे घर की डस्टिंग भी की है, आपने देखा है अभी, और उसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने लगी। और अभी ना चिड़िया हमारे घर फिर से एक नया घोंसला तैयार कर रही है, अपना घर बना रही है, और वो इसी मौसम में हर बार घर बनाती है, एक साल में एक बार घर वो ज़रूर बनाती है।
और उसका घर बनाने में हम भी उसकी हेल्प करते हैं, जो कि अभी बार हम अब की बार हम अभी उसकी हेल्प नहीं कर पाए हैं और उसका घर नहीं बना है अभी। मुझे ना मैं भूल जाती हूँ और मैं एक दिन बोलूँगी अनुष्का के पापा जी से कि वो वहाँ पर ना कुछ रख देते हैं, जिससे वो अपना ये घास वगैरह जो भी लाती हैं उसके ऊपर रखती रहती हैं और उनका घर तैयार हो जाता है। अच्छा है किसी का घर बस जाए, है ना, उससे अच्छी क्या बात है। तो मैं देख रही हूँ लगभग 8 से 10 दिन से ना वो इस तरह से ही पत्ते वगैरह ले ले करके आ रही हैं, लेकिन उनका ना घर बनने में आ ही नहीं रहा है। अगर अनुष्का के पापा जी उनकी हेल्प करा देते तो शायद मुझे लगता है कि अब तक उनका घर बन जाता, जो कि वो हर बार कराते हैं। मैं भी भूल गई हूँ और वो भी ना इतने ज़्यादा बिजी हैं कि अगर वो घर जैसे दोपहर में रहते हैं आकर रहें तो उनको पता चले, वरना वो सुबह शाम रात को आएँ तो फिर उससे ना इतनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है। फिर तो यही है, आए आकर के सो गए, दूध वगैरह पिया तो बस इतना ही हो पाता है। रात में उनसे ये तो नहीं बोल सकती मैं कि आप ना यहाँ और उनका घर तैयार करो, तो नहीं होता है, वो भी थके हुए होते हैं। फिर तो जब हम ज़्यादा थक जाते हैं फिर तो हमारा भी मन ऐसा होता है कि चलो आराम कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं। अभी झाड़ू लगा दी है पूरे घर में, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। यहाँ पर जो मैंने बर्तन इकट्ठा किए थे ना, अभी बारी आ गई है उनको साफ़ करने की। फ़ैन चला लिया है, गैस को बंद कर दिया है, दूध अच्छे से बॉईल हो गया है, अभी उस पर ढक दी है जाली, और जाली ढकने से ना आ जाती है एक अच्छी सी मलाई। तो अभी उस पर जाली ढक दी और मैंने सोचा कि चलो गैस तो बंद हो ही गई है तो अब क्यों देर करना, झाड़ू मैंने लगा ही दी है तो फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर बर्तन साफ़ करने शुरू कर दिए, जो बर्तन इधर उधर जैसे इधर मैं मुझे हैंगर पर टांगने होते हैं, भगोना और कुकर का ढक्कन, ये सारी चीज़ें मैं साथ के साथ ही टांग रही हूँ क्योंकि सही रहता है। और जैसे कुकर है और डब्बा है, भगोना है, इनसे क्या होता है कि टोकरा ना एकदम भर जाता है, फिर छोटे छोटे बर्तन रखने को तो जगह ही नहीं मिलती। अगर छोटे छोटे बर्तन हैं तो वो तो काफ़ी इसमें आ जाएंगे, लेकिन ये बड़े बड़े बर्तन तो 5 से 6 ही पूरी जगह घेर लेते हैं और फिर उनके लिए जगह ही नहीं बचती। और मेरा यही रहता है कि जैसे ही बड़े बड़े बर्तन साफ हों और तब तक मैं उनको मांजूं, धुलने से पहले ही मैं उनको फिर टोकरे से हटा देती हूँ, जिससे कि जगह बन जाए और जो भी बर्तन हैं छोटे छोटे उनको मैं आराम से रख लूँ। छोटे बर्तन तो ना बहुत आ जाते हैं, छोटे बर्तनों की वजह से मुझे वो खाली करना पड़ता है, वरना छोटे बर्तन मुझे खाली नहीं करने पड़ते हैं। जैसे ही मांजती हूँ टोकरे में रखती रहती हूँ और फिर मैं क्या करती हूँ अपना, जैसे कि अभी मैंने टोकरे में मांज कर वो रख दिए हैं और मैं आ गई हूँ इधर पोछा लगाने के लिए, तो अभी नहीं रखूँगी मैं उनको, अभी मैं बर्तनों को नहीं लगाऊँगी, पहले उनका पानी सूखने दूँगी अच्छे से और फिर मैं नहाने के बाद मैं वो बर्तन लगाती हूँ जाल में, जिससे क्या होता है कि उनका पानी भी सूख जाता है और फिर पानी नहीं गिरता है उनसे, वरना पानी गिरता है ना तो जाल पर भी निशान बना देता है, वो पानी जम सा जाता है, वो छूटता नहीं है, फिर निशान से बन जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है एक दो बार एक आधा बर्तन जैसे कि जल्दी में मैंने रख दिया तो वहीं पर वो पानी गिरता है और निशान बना देता है, तो मैं इसलिए उसको उन बर्तनों को पूरा अच्छी तरह से सुखाने के बाद ही रखती हूँ। अभी किचन का काम ख़त्म किया और बात करते हुए ना सांस फूल रही है मेरी, पता नहीं कभी कभी होता है कि बात करते हुए ना बहुत सांस फूलती है और कभी कभी अच्छा सा रहता है। आज तो ना मैं शॉर्ट वीडियो बना रही थी, पता नहीं बनाते हुए ही मेरे इतनी बुरी तरह खांसी उठी कि मैंने थोड़ी देर तो कोशिश की कि मेरी वीडियो पूरी हो जाए, मेरी ये वीडियो पूरी हो जाए उसके बाद ही मैं खांसूँ, लेकिन कंट्रोल ही नहीं हुआ और मुझे ना बीच में वीडियो बंद करनी पड़ी, जबकि इतनी अच्छी सी वीडियो मैंने बनाई थी और बस थोड़ी सी ही रह गई थी लेकिन रुका ही नहीं गया, फिर मुझे बंद करना पड़ा और मैंने ना तब खांसी और उसके बाद जा करके मैंने वीडियो बनाई। कभी कभी ना अचानक से भी क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं जो हम सोचते भी नहीं हैं ना, वो चीज़ें हो जाती हैं। बिल्कुल मैंने सोचा ही नहीं था, ना ही मुझे खांसी आ रही थी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, अचानक से ही पता नहीं कैसे क्या हुआ कि मुझे इतनी तेज़ खांसी उठी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो अभी यहाँ पर उधर से मैंने पोछा लगा दिया है बेडरूम की, तो अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है और यहाँ पर ना मुझे कुछ निशान सा दिखाई दे रहा था तो ये छूट ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने इसको पोछे को भी कई बार घुमाया, नहीं छूटा, फिर मैंने पैर से भी छुटा करके देखा, वो तब भी नहीं छूटा, पता नहीं किस चीज़ का निशान था किसका नहीं था। और मैंने तो वो आज ही देखा है, अब से पहले तो देखा ही नहीं है, शायद वो अभी किसी चीज़ का लगा है लेकिन छूटने में आया ही नहीं।
क्या कर सकते हैं। अभी आ गई हूँ मैं इधर, घर का काम ख़त्म कर दिया है, लेकिन ये भी घर का ही काम है, ये भी बाहर का काम नहीं है। लेकिन आ गई हूँ मैं इधर, घर का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो कपड़े भी निकाल देते हैं। और देखिए हमारे यहाँ पर मोर बहुत बोलते हैं, अभी आपने आवाज़ सुनी होगी है ना, मोर कोयल। मोर तो यहाँ पर घर में भी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा छत पर नाचते हैं, और ऐसा नहीं हमारी छत पर नाचते हैं, सभी की छतों पर मैंने नाचते हुए देखा है मोरों को। और बहुत ज़्यादा मोर रहते हैं, एक आधा नहीं रहता है, तो बहुत अच्छी सी आवाज़ लगी। मैंने सोचा कि चलो आपको बताती हूँ। अब पता नहीं कैसे बंद हो गया है, उसने मेरी बातें सुन ली हैं या क्या हुआ है, अब नहीं बोल रहा है। मैं सोच रही हूँ ये एक दो बार और बोले और बोले, पता नहीं कहाँ पर है, किधर बैठा हुआ है। मैं तो ना रूम के अंदर हूँ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ मैंने गेट खोल रखा है तो आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही थी उसकी, तो यहीं पर बैठा होगा साइड में इधर उधर। अभी मैं इधर आई और यहाँ पर कपड़े ना मैंने पहले ही निकाल लिए थे मशीन से, और निकाल करके यहाँ रख लिए हैं, और उसके बाद करने लगी हूँ मैं कपड़ों को धुलने लगी हूँ। साफ़ पानी में दो तीन बार अच्छे से निकाल लूँगी और फिर मैं इनको मशीन में सुखाने के लिए डाल दूँगी, जिससे कि ना मेरा कपड़ों का भी काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी काम ख़त्म हो जाए जितना जल्दी हो जाए उतना सही है। वैसे तो सभी काम ख़त्म हो गया है, बस यही काम रहा है, और लाइट आई हुई है, तो अभी फटाफट से इन कपड़ों को निकाल करके पानी में और फिर मैं मशीन में डाल दूँगी, और जो सफ़ेद कपड़े हैं उनको कर लूँगी मैं एक साइड, और उनको मैं बाद में ना फिर नील भी लगाना है मुझे उनमें, और इनको सुखाने के लिए डाल दूँगी। तब तक मैं उन्हें नील वगैरह लगाऊँगी तब तक ना ये सूख जाएंगे, हाँ ये तो हो जाएंगे कि इनको बाहर सुखा सकते हैं। अभी सफ़ेद कपड़े भी डाल लिए हैं मैंने, जो सफ़ेद कपड़े थे उनको भी डाल लिया है और उनको भी धुल लिया है, टॉवल वगैरह सभी में पानी निकालूंगी, धुल लूँगी अच्छे से, इनको साफ़ कर लूँगी। और इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।